अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निगीस किचन। आज मैं आपके साथ तवा चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग है और आजकल बहुत इन है बाजार में। आप लोगों ने शायद खाई भी हो, लेकिन घर की जो बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दो मीडियम साइज के लेग ले लिए हैं, इनको मैं कट लगाऊंगी। तो ये देखिए, इसको मैरिनेशन के लिए हम हल्के हल्के से कट देंगे, ठीक है। ऐसे कर गहरे गहरे कट दे देंगे और यूं चौकोर भी देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सारा मसाला इसके अंदर रच जाए और ये बेहतरीन किस्म का मैरिनेशन इसकी जो है हम अभी करेंगे। ये देखें, ऐसे ऐसे करके आपने लगाना है ताकि खूब अच्छा सा ये तैयार हो जाए, ठीक है। इन सब चीजों को हम चूल्हा मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको हम रोस्ट करेंगे हल्की आंच पर। इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल स्लो हीट पर इसको हम हल्का हल्का सा खुशबू आने तक रोस्ट करेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छी सी मसाले की खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल हल्का सा ये रोस्ट हो गया है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब मैं इसको ग्राइंडर में डालकर पीस लूंगी। लेकिन ग्राइंडर में मैंने इसको कर लिया, अब मैं इसको पीस लूंगी। मसाला मैंने पीस लिया, मैं दही को इसमें डालकर थोड़ा सा बीट करूंगी। अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया और इसको बेटर करके मिक्सर से चला दिया। ये मसाला जो मैंने पीसा था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। वन टीस्पून इसमें जब इसमें हमने नमक शामिल करना है एंड में। ये देखिए, सारा कुछ मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम इस लेग्स को रखकर अच्छी तरह से इसके मसाला जो है हाथों की मदद से इसके अंदर कर देंगे और जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी, टाइम थोड़ा आप लोग देंगे, इसका टेस्ट जो है वो आप लोगों को खुद समझ आएगी कि कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है। इसलिए हमने ना मैरिनेशन जरूर करनी है। पूरी रात के लिए अगर रखेंगे तो बहुत ही अच्छी इसकी मैरिनेशन हो जाएगी और ये बेहतरीन इसके हर जो है ना एक एक उसमें चला जाएगा सुराख में। ये इसको हम एक बॉक्स में ऐसे रख देंगे और 2 टेबलस्पून लेमन जूस इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे। इसको हम कवर करके सारी रात के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। ये चिकन की मैरिनेशन हो गई है, अब हम इसको तवे पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑयल डाल दिया है और इसको हम लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर से गल जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया, मैं इसको कवर कर दूंगी। 5 से 10 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसको आ रही है, साइड चेंज करेंगे। कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको मैंने पलट दिया, पलटने के बाद इसको मैं कवर कर देती हूँ फिर ढक्कन से, ताकि अंदर से अच्छी तरह से गल जाए।
तवा चिकन हमारा रेडी, ये देखिए तवा चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको यहाँ डिश आउट करने लगे हैं। ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको जो है आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल ये देखिए लगा हुआ है, बेहतरीन लगा हुआ चिकन है। और हम ये देखिए बिल्कुल ये देखिए इसमें हम डालेंगे दही की चटनी, ये प्याज, ये टमाटर। क्या मजे का बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ये बना है, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी है, मजे का है। ये देख लें, ये तवा चिकन बिल्कुल गला हुआ है, हर तरफ से गला हुआ है, बिल्कुल पका हुआ है और बहुत ही मजे का बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।